गुज़िश्ता डेढ़ दिहाई से हम जिसे फेसबुक कहते हैं, फेसबुक के नाम से जानते हैं, आखिर अब उसका नाम क्यों बदलकर मेटा रख दिया गया है? ये मेटावर्स है क्या चीज और इस नाम के बदलने की जरूरत आखिर क्यों पेश आई? आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं फोर स्टार कैफे में। मैं हूं नवीद अंसारी। मैं हूं मसूद अहमद राजपूत। अब्दुल मनान। मैं हूं यूसुफ बुखारी। जनाब हमें बताएं यूसुफ बुखारी साहब कि ये क्या है मेटावर्स, ये क्या है नाम बदलने की वजह और ये क्या हो रहा है? ये मेरे तो जबान बंद है, ये बात करेगा अब्दुल मनान। चलें, आपकी जबान क्यों बंद है भाई? ओ भाई वो लुमनाती खेल चल रहे हैं यहाँ पे, आपने उसमें बात निकल जाना है बस। आप फौरन जो है ना वो क्या है, मकबूल जान औरिया मकबूल जान बन जाओ। हाँ ठीक है, डॉक्टर शाहिद मसूद बन जाओ, सनसनी फैला दो। दज्जाल आ रहा है, दज्जाल आ रहा है और कोई काम ही नहीं। दज्जाल आ रहा है, क्यामत आ रही है, दज्जाल आ रहा है। पूरा कोविड का जो सीजन है ना इसी चक्कर में गुजारा सर। एक बंदा सुने मेरी बात, एक बंदा जो है वो आम दुनिया में कुछ कर नहीं सकता, वो वर्चुअल दुनिया में जाके वो अपनी सब चीजें बनाएगा वहाँ पे। चलो ये भी हो सकता है कि ऐसे वो पूरी अपनी जन्नत वहाँ बना ले तो फेसबुक वाला उसको डिलीट कर दे। बताइए बनाना है क्या ये? अच्छा ये फेसबुक, इसका मैं थोड़ा सा पहले बता दूं कि मेटा इन्होंने क्यों नाम रखा है। ये बेसिकली अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं मेटावर्स के नाम से, उसको इन्होंने बेस बनाते हुए मेटा का नाम जो है वो, कि एक तो ये शॉर्ट था नेम, फिर इसके जो मेटा ग्रीक वर्ड है इसके मीनिंग है बियॉन्ड, ठीक है, तो वो कुछ सेंस बनती है। और इसमें थोड़ा सा मैं एक चीज़ और क्लियर करूं, लोग समझ रहे हैं कि फेसबुक का नाम चेंज हो जाएगा, इंस्टाग्राम का चेंज हो जाए, ये मतलब नाम चेंज हो जाएंगे, ये नाम चेंज नहीं होंगे। बेसिकली जो पेरेंट कंपनी थी वो फेसबुक थी पहले से, और फेसबुक ही बाय करता जा रहा था सब चीज़ों को। जिस तरह उन्होंने इंस्टाग्राम को बाय किया, मैसेंजर उन्होंने बनाया, फिर उसके बाद उन्होंने व्हाट्सएप को बाय कर लिया, पोर्टल, वर्कस्पेस, ये जितनी भी सारी चीज़ें थी। तो अब उन्होंने जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम चेंज किया है फेसबुक से हटा के एक और कंपनी। और कुछ इनको लीगल इश्यूज भी आ रहे हैं, एक दो कंपनीज हैं जिनका लोगो इन्होंने बनाते हुए तकरीबन सेम हुआ है। फिर एक और कंपनी थी उनका भी मेटा नाम था, उन्होंने भी केस फाइल किया हुआ है और वो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनके जो लॉयर है वो बड़ा प्रेशर डाल रहे थे कि ये नाम हमें आप बेच दें, ये नाम हमें दे दें, लेकिन वो फिर भी इन्होंने कर लिया है। तो मोनोपोली तो है ना, फिर जो बड़ा है वो तो फिर कर ही लेते हैं। मगरमच्छ है भाई। बिल्कुल ऐसे ही है इनका। असल में मेटा में जो मेन इनका काम जो ये फ्यूचर में आगे करने जा रहे हैं वो है मेटावर्स प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया है, जिसका इन्होंने स्टार्ट में $50 मिलियन का बजट उसको दिया है। वो 10,000 वर्कर्स भी एक्स्ट्रा है, 10,000 इन्होंने जो है ना वर्कर्स इसमें मज़ीद ऐड किए हैं। बहुत हाई लेवल पर काम हो रहा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। और ये इस तरह है, मैं इसको कैसे देख रहा हूँ कि जिस तरह ये सेल फोन हमारी ज़रूरत बन गई थी, बिल्कुल ऐसे ये मेटावर्स भी ना हमारी ज़रूरत बनने वाली है। ओके, आने वाले टाइम में, यानी ये आने वाले वक्त की टेक्नोलॉजी है जो आ रही है ना। तो ऐसे ग्लासेस हो जाएंगे जिसमें आप वर्चुअली मुख्तलिफ लोगों से बात कर रहे हैं, आपको मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी घड़ी की ज़रूरत नहीं है, आपने ग्लासेस पहने हुए हैं और आपने अपने फिंगर टिप से बातें की, कुछ किया और आपकी उसने आगे कॉल मिला दी और वर्चुअली आप एक दूसरे से बात भी कर। ये बेसिकली ना 3D वर्ल्ड है, 3D वर्ल्ड होगा, इसमें सारा सोशलाइज करना चाह रहे हैं वो सारी चीज़ों को 3D वर्ल्ड के अंदर। और ये ऐसे है कि जिस तरह एक आईफोन आया ना, आईफोन सबकी ज़रूरत बन गई, लेना पड़ा, ख़रीदना पड़ा, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उसका कैमरा, बहुत सारे फीचर्स हैं उसके अंदर जो ज़रूरत है वक्त की। इसी तरह ये जो 3D वर्ल्ड आ रहा है ये भी आने वाले टाइम में सबकी ज़रूरत बन जाएगा, क्योंकि इसकी बात ऐसी है जिस तरह व्हाट्सएप, अगर आज मेरे पास व्हाट्सएप ना हो तो मुझे अब बंदा कहेगा यार आपके पास व्हाट्सएप नहीं है, मैं आपको व्हाट्सएप भेजना चाह रहा हूँ, तो आप अपना एंड्रॉयड फ़ोन ले लो या कुछ कर लो, आपको व्हाट्सएप लेना पड़ेगा ऐसे। तो जब आपके पास वर्चुअल रियलिटी में एक स्पेस होगी और किसी दूसरे के पास नहीं होगी तो कहेगा यार आपके पास नहीं है, ये क्या बात हुई। जब मीटिंग ही उस स्पेस में हो रही होगी बहुत सारे लोगों की, तो आपको भी फिर उसमें जाना है ना, अगर वो सोशली वहाँ कनेक्ट हो रहे हैं जाके, तो आपको भी ख्वाहिश होगी कि यार मैं वहाँ क्यों मिसिंग हूँ। 100% समझ में आती है ये चीज़। मुझे याद है कि बिल्कुल नई नई ये फेसबुक आई, तो मैंने कोई टैलेंट था जिसको हायर करना था, फीमेल मॉडल को, तो मैंने उसे फ़ोन पर ये कहा कि जी मुझे ना कुछ तस्वीरें आप सेंड कर दीजिए, तो उनका आप मेरे पेज पर चले जाएँ और तस्वीरें देख लें। तो मैं यूज़ नहीं करता था फेसबुक,
मुझे उसके इस बात की वजह से, मैं आर्ट्स काउंसिल में था उस वक्त, बिल्कुल अर्ली डेज थे, आते ही उसने पेज भी बना लिया और उसके बाद फिर अपना वो डाल दिया सारी चीज़ें, मैंने भी स्टार्ट किया था। तो मैंने पहली बार फेसबुक पे अकाउंट बना के उसके बाद फिर उसको मैंने यानी उसने मुझे मजबूर कर दिया कि वहाँ पर आए। सेम विद सेलफोन, सेम विद व्हाट्सएप, आप तस्वीरें भेज रहे हैं फिर उसके फीचर यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे दूसरा आपको जबरदस्ती करना पड़ रहा है। बिल्कुल, तो ये कहते हैं टेक्नोलॉजी आती है और आपको अडॉप्ट करनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे, ओके, सेम लाइक इंटरनेट, जिस तरह 3G 4G आया, अब सबकी जरूरत बन गई है वो। अब अगर आपके पास नहीं है तो आप, इंटरनेट नहीं होता तो फिर आप कहते हैं यार ये क्या हो गया। अच्छा, जो पुराने कन्वेंशनल लोग हैं वो कोशिश करते हैं रेजिस्ट करने की, नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। फोन नहीं लेना था हमारे, अगर अब्बा जी ने, उन्होंने नहीं लिया मगर मजबूरन लेना पड़ा। और आपको पता है आज सबसे ज्यादा वही लोग बैठे हुए फेसबुक और ये जो पोस्टें हैं ना, सबसे ज्यादा टाइम वही स्पेंड ग्रुप में व्हाट्सएप पे, वो भी की आ रही होती है, सुबह सुबह फजर के वक्त शुरू हो जाता है ये। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, दुआएं देने का सिलसिला सुबह से उनका व्हाट्सएप पे ही है ऐसे। अच्छा, सारी बातें तो होगी, जरा तफसील से बताएं मेटावर्स को। मना मेटावर्स में जितनी अभी तक इन्फॉर्मेशन आई है ना, इसमें इनके बेसिकली 8 या 9 की पॉइंट्स इन्होंने अपने दिए हैं कि ये हम फ्यूचर में करने जा रहे हैं। जिसमें सबसे पहला तो इन्होंने मेटावर्स में रखा है जी सोशल कम्युनिकेशन। ठीक है, वो हो गया कि वो एक आपका एक रूम बनेगा, रूम होगा या कोई भी प्लेस होगी, वर्चुअली 3D डिजाइन हुई भी एक प्लेस होगी जहाँ पे आप आके कम्युनिकेट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं एक दूसरे से, मीटिंग हो रही है, मीटिंग हो रही है, आप कुछ भी कर रहे हैं, सोशल वर्क कुछ भी कर रहे हैं। फिर इन्होंने किया है कि इसके अंदर आप इंटरटेनमेंट भी करेंगे। ठीक है, इंटरटेनमेंट में आप इसमें गेम्स भी खेल रहे होंगे, आप इसमें एक्सरसाइजेस भी कर रहे होंगे वर्चुअली, आपके वर्चुअल जो है वो इंस्ट्रक्टर्स भी होंगे जो आपको एक्सरसाइज करवा रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने इसको वर्क स्पेस में भी लेके आ रहे हैं कि वर्चुअल वर्क स्पेस भी, इंटरटेनमेंट भी हो गया, सोशल भी हो गया, आपने फिजिकल एक्टिविटी भी वर्चुअल वर्ल्ड में कर ली। मतलब सुनने में कितना अजीब लगता है कि आप फिजिकल एक्टिविटी वर्चुअल उसमें कर रहे हैं, वो उसमें होगा ये कि आप फिजिकली सब कुछ कर रहे होंगे मूवमेंट्स, और बट वो वर्चुअली आप उसको देख रहे होंगे, आपका इंस्ट्रक्टर जो है वो वर्चुअली आपके सामने खड़ा होकर आपको एक्सरसाइज करवा रहा होगा। आप कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती हैं जिसमें आपको फिजिकल इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं होती, लाइक योगा हो गई या आप कोई भी और एक्सरसाइज करते हैं। फिर उसके बाद ये आगे चलता जाएगा, वर्क पे आ गए, वर्क पे आपकी मीटिंग सारी वर्चुअली हो रही होगी, वर्चुअल रूम्स आपके बन रहे होंगे उसके अंदर, और ये बहुत आगे चल के तो और भी ज़्यादा बड़ा काम होता जा रहा है, जिसमें शायद कुछ लोगों को ना पता हो कि ये 3D का काम किस तरह होता है और इसके अंदर ग्राफिक्स जो इन्वॉल्व होंगे उसकी कैसे ये डेवलपमेंट हो रही होगी। अच्छा, बाद में जल्द से जुलूस भी फिर इस तरह हो रहे होंगे, हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, हो सकते हैं, आगे चल के क्या हो जाए कुछ पता नहीं। ओके, उसके बाद डाल रहे हो यही से घर। फिर इन्होंने इसके अंदर कॉमर्स, ई कॉमर्स का फैक्टर भी इसमें ऐड किया है, वर्चुअली होना चाहिए, गुड। जिसकी मैं पीछे अभी मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें आप वो हैंड्स नजर आ रहे हैं और सामने एक स्टैचू के ऊपर एक सूट है, ड्रेस है। अब देखें उन्होंने किस तरीके से उसको डिज़ाइन किया कि आपने उसको पकड़ा, पकड़ के आप उसे स्ट्रेच कर रहे हैं, तो वो स्ट्रेच भी हो रहा है, उसकी मूवमेंट भी है, सब कुछ उसमें हो रहा है। वेरी गुड, आपसे मतलब अब ये नहीं मुझे पता कि उसके अंदर वो फील कैसे डालते हैं, उस टेक्नोलॉजी पे वो कैसे काम करेंगे, कर रहे हैं। फिर आपके एवेटार पे काम हो रहा होगा जिसमें इन्होंने ये प्लान किया है कि हम आपके फेस के जेस्टर्स, आपके बॉडी के पूरे जेस्टर्स, इवन के जो आपके फेस के पोर्स और आपकी शेप, जो आप अपनी लुक चेंज कर रहे होते हैं, वो सब भी रियल टाइम में वो जो है ना डिटेक्ट होके प्रेजेंट हो रही होगी। हाँ, वो मेरे वीडियो देखे जिसमें ज़करबर्ग का तो अपना ही अवतार जो है वो वहाँ पे बना हुआ है। अच्छा, इस सारी चीज़ों को करने के लिए, जिस तरह मैं अभी आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा था ना कि आईफोन ज़रूरत बन गया, एंड्रॉयड फ़ोन ज़रूरत बन गया, इस पूरी टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए प्रोडक्ट भी आएगा डेफिनेटली, जिसके लिए ये VR जो हमारी वर्चुअल रियलिटी हम करती हैं, उसमें ये ऑक्युलस ऑलरेडी इनका अपना वो है जिसपे ये काम कर रहे हैं। अब जो इन्होंने स्टार्ट किया है प्रोजेक्ट, उसका नाम इन्होंने दिया है प्रोजेक्ट कैम्ब्रिया। प्रोजेक्ट कैम्ब्रिया के नाम से ये बेसिकली VR बना रहे हैं, VR के प्रोडक्ट्स बनाएंगे काफी सारे, और नेक्स्ट ईयर ये लॉन्च भी हो जाएगी। इन्होंने, आपको याद होगा, पिछले दिनों एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी किया है Ray-Ban के साथ, कोलैबोरेशन करके इन्होंने एक जो कैमरा फिट किया था उसमें, हाँ, डिजिटल स्मार्ट ग्लासेस इन्होंने दी थी जिसमें आप रियल टाइम में चीज़ें, अभी उसमें बहुत कम फीचर्स हैं लेकिन आगे चल के डेफिनेटली फीचर्स आते जाएंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही होगा कि जिस तरह आप हर साल एक नया आईफोन ले रहे हैं ना,
वही ये आपके लिए जरूरत बन जाएगा, ये प्रोडक्ट आपको लेना पड़ेगा, आपको खरीदना पड़ेगा। यानी कि हमें हर साल एक नया मेटा गैजेट्स लेना पड़ेगा इसमें। फिर ये इसी तरह ग्लासेस में ये, फिर ये वीआर को छोटा करते जाएंगे, वो इनके सारे प्लान में है कि इसको स्मार्ट किस तरह करना है, इजी टू यूज किस तरह करना है, ये सारी चीजें इसके अंदर ऐड होती जाएंगी। ग्लासेस इसके अंदर इस पे वो वर्क कर रहे हैं, फिर होलो पे करने का, ये होलो पे काफी काम कर रहे हैं क्योंकि सब चीजें तो आपकी होलोग्राम में उसमें होनी है, वीआर में होनी है ना, तो फिर उसको होलोग्राम में डिस्प्ले करवा देंगे। मेरे मैं इसको यूं कह सकते हैं, जो मार्क ने भी कहा है कि ये जो मेटावर्स है ये नेक्स्ट चैप्टर ऑफ इंटरनेट है। और ये बिल्कुल वो इंटरनेट की स्पीड पे भी तो मार्क पैसा लगा रहा है ना, मुख्तलिफ इंटरनेट कंपनीज के साथ मिलके वहाँ पे भी वो इन्वेस्ट कर रहा है ना। और उन इलाकों में इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है जहाँ इंटरनेट नहीं है वहाँ। तो बस आने वाला वक्त यही, वो ये ना महवे हैरत हो कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। सो डियर्स, अब तक अगर आप हमारे साथ थे, हमारे प्रोग्राम के साथ थे, तो सब्सक्राइब करना तो बनता है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कर चुके हैं तो फिर कमेंट करें, शेयर करें। खुश रहें, आबाद रहें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।